हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शारदा मंडलेकर एंड टुडेज आई एक्सप्लेन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्राफ। ओके, आज मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज ग्राफ की। फर्स्ट में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो दैट इज टॉपिक ग्राफ अकॉर्डिंग टू ग्राफ थ्योरी। ओके, ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट में ग्राफ पढ़ेंगे हम। सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी स्टूडेंट्स एंड एमएससी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई बीएससी कर रहा है मैथमेटिक्स से या एमएससी कर रहा है मैथमेटिक्स से या फिर इंजीनियरिंग में भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो फर्स्ट में लुक एट हियर, आई एक्सप्लेन डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या दी हुई है वो देखते हैं हम। अ ग्राफ जी इक्वल ब्रैकेट ऑफ वी ई। ओके, ये वी ई क्या है ये आगे एक्सप्लेन होगा। कंसिस्ट ऑफ अ सेट वी ऑफ वर्टिसेस एंड अ सेट ई ऑफ एजेस। ओके, जो वी एंड ई है ये दोनों क्या है, कैपिटल है। कैपिटल वी को अगर हम फर्स्ट में डिफाइन करेंगे तो ये सेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स होंगे हमारे पास, एक से ज्यादा वर्टेक्स होंगे तभी तो हम सेट बनाएंगे। ओके, सो वन मोर देन वन वर्टिसेस सो इट इज कॉल्ड बी सेट ऑफ वी। ओके, देन ई, कैपिटल ई किसे डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ एजेस, एजेस के सेट को डिनोट कर रहा है ई। सो लुक एट हियर, लेट वी हैव एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर कि कोई ग्राफ है जी। अब मैंने फर्स्ट में क्या बनाया, ये डॉट बनाया। ओके, डॉट को हम नेम दे देते हैं ए बी सी। ओके, सो ए बी सी जो ये डॉट से डिनोट हो रहे हैं इट इज कॉल्ड बी वर्टिसेस। सो जो गिवन ग्राफ है हमारे पास उसमें हाउ मेनी वर्टेक्स, वन टू थ्री, थ्री क्या है वर्टेक्स है। ओके, सो अगर हम इसे राइट करेंगे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, देखिए आप, सेट ऑफ वी ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स। ओके, एज वेल एज इसमें हम डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू एरो टू वर्टेक्स के बीच में ओनली वन एज हो सकती है। सो टू वर्टेक्स के बीच में यहाँ पर हमने वन एज अभी डिनोट किया है, आगे हम और भी डिफाइन करेंगे। देन ये बी से सी में, सी से ए में, ये ई टू, ये ई थ्री, हमने ई वन ई टू ई थ्री नाम एजेस के अकॉर्डिंग ई राइट किया है। ओके, सो इसमें आप देखिए आप ई ई दैट मीन्स एजेस, शो सेट ऑफ एजेस, शो ई वन कितनी एज है, हाउ मेनी एज, ई वन ई टू ई थ्री। ओके, सो वी हैव एन एग्जाम्पल जिसमें थ्री वर्टेक्स है एंड थ्री एजेस है। ओके, सो यहाँ पर देखिए ए बी टू वर्टेक्स है, उनके बीच में ओनली वन एज हमें गिवन है। तो इसमें आप देखेंगे कि एरो का सिंबल है, दैट मीन्स ए से बी की ओर जा रही है एज। ओके, सो ए क्या होगा इसमें, ए होगा इनिशियल वर्टेक्स। ओके, एंड बी बी दैट इज टर्मिनल वर्टेक्स। आप इसे राइट कर लीजिए यहाँ पर ए इक्वल इनिशियल वर्टेक्स एंड बी इक्वल टर्मिनल वर्टेक्स। ओके, ए क्या है, इनिशियल वर्टेक्स है मतलब प्रारंभिक शीर्ष है एंड बी टर्मिनल वर्टेक्स है, दैट मीन्स अंतक शीर्ष है, मतलब अंत का शीर्ष या प्रारंभिक शीर्ष या अंत का शीर्ष है। ओके, सो इसे हम और कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए जैसे इवन इवन एज है, इवन इक्वल हम राइट करेंगे ए बी एज वेल एज टू वर्टेक्स के बीच में इवन एज फाइंड हो रही है, ऐसे ही आप E2 को भी एंड E3 को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे। ओके, अ
अ ग्राफ जी, जी दैट मीन्स ग्राफ जी स्पेलिंग में कैपिटल जी है वहां से हमने लिया, जी इक्वल सेट ऑफ वी एंड ई, ओके, वी दैट मीन्स वर्टेक्स, ई दैट मीन्स एज, एंड कैपिटल वी दैट मीन्स सेट ऑफ वर्टिक्स एंड कैपिटल ई दैट मीन्स सेट ऑफ एजेस, जो हमने गिवन एग्जाम्पल में प्रूव कर चुका है एंड पढ़ा है, ओके। सो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ होता है वर्टेक्स एंड एज से मिलकर ग्राफ फाइंड होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए आप, ये ग्राफ है, इसमें ये वर्टेक्सेस है एंड ये एजेस है। सो वर्टेक्स एंड एजेस से मिलकर ग्राफ फाइंड होता है। अब हम ग्राफ किसे कहेंगे जिसमें वर्टेक्स दिया हो एंड एजेस दी हो? सो इट इज कॉल्ड बी ग्राफ। जैसे इस एग्जाम्पल में थ्री वर्टेक्स है, ए बी सी एंड एज भी है E1, E2, E3, तो ये क्या होगा? ये होगा इट इज कॉल्ड बी ग्राफ, क्योंकि इसमें वर्टेक्सेस भी है एंड एजेस भी है, ओके? इतना क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे इसके आगे डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ओके? थैंक यू।